दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम नारायण शर्मा। आज बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे तरबगंज क्षेत्र में, विकासखंड तरबगंज में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक की शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके आयोजक थे श्री अभिषेक तिवारी जी, जो कि हमारे ब्लॉक तरबगंज के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और साथ में खड़े हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष तरबगंज के श्री दीपचंद मिश्रा जी, और इधर हैं श्री पांडे जी। और तो बड़ी बात है, आज हमारे इस शिक्षक उन्नयन गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय सम्मानीय हमारे ब्लॉक प्रमुख तरबगंज श्री मनोज कुमार पांडे जी। सौभाग्य से हमारा बहुत परम सौभाग्य रहा है कि हम और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साथ में सहपाठी के रूप में थे। तो आज कुछ आपसे इसी संबंध में पूछना है, आज जो ये शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया था, तो इसमें आपको कैसा लगा और क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे शिक्षकों? देखिए, सबसे इस संगठन की जो सबसे अलग बात यह है कि पहले राष्ट्रहित, समाज हित, उसके बाद में व्यक्तिगत हित। दूसरी चीज, संगठन में संगठन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को तो हर संगठन सम्मानित करता है, लेकिन समाज के लिए अच्छा काम करने वाले, अपने विद्यालय में अपने दायित्वों को अच्छी तरह निर्वाहन करने वालों को इस संगठन द्वारा जिस तरीके से सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस संगठन को, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये संगठन शिक्षकों और अपने संगठन के समस्याओं को निस्तारण कराने में सफल हो। धन्यवाद सर। तो हम आपसे एक बात और पूछना चाह रहे हैं, हमारे जो आदरणीय गुरु जी हैं, शिक्षक बंधु हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी जो समस्याएं हैं वो कैसे उसका समाधान कैसे होगा, निस्तारण कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में खेलते हैं, तो मैं शिक्षकों को संदेश देने में सक्षम नहीं हूँ। अच्छे समाज की स्थापना शिक्षकों को करनी है, और वो चाहें तो एक ऐसे समाज की स्थापना कर दें कि वहाँ किसी को कोई संदेश देने की जरूरत ही न पड़े, और अच्छा राष्ट्र और अच्छा समाज ये सब शिक्षक के ही हाथ में है। मैं भी आज जो कुछ भी हूँ अपने शिक्षकों के बल पर हूँ, तो अपने कर्तव्यों का ये लोग निर्वहन करें, और समाज और राष्ट्र हमेशा इनको सम्मान करता रहा करता है। धन्यवाद आदरणीय ब्लॉक प्रमुख तरबगंज जी। तो आज आपको श्री प्रमुख जी ने बताया कि हाँ, शिक्षा जो है वो शिक्षकों के द्वारा ही दी जा सकती है, और हमारे शिक्षकों के लिए जो संदेश दिया है आपने, कहा है कि हाँ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नमः, गुरुवे नमः। तो गुरु के आगे सभी लोग पीछे हैं, गुरु से आगे नहीं हैं। तो इसलिए आपका जो संदेश है वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत हैं आप, और हमारी भी यही इच्छा है कि हम अपने विद्यालय में जा करके और अच्छे शैक्षिक गुणवत्ता का निर्वहन करें, जिससे हमारे जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो आगे बढ़ सकें, हमारे देश के निर्माण में सहयोग कर सकें, और हमारा देश आगे विकसित हो सके। तो इसी के साथ धन्यवाद आपको, नमस्कार।